अच्छा ही नहीं लगा। ये रहा हमारा रिजॉर्ट, मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे पार्टी आई हुई है। चलो ना सबका नाम लेता हूँ, पकड़ो सारी एक्सेस का नाम लूंगा। साइड ऑफ साइड, साइड ऑफ साइड। तो अभी सीधा चलाएंगे ना फिर? नहीं, तो पहले बैक कर ले, बस आ गया हमारा। पहले सीधा चला दो, बैक चल रहा। अरे तू बैक कर भाई, रोक ले रोक ले रोक ले, बस बस बस। हाँ ठीक है। कशिश गार्ड आ गया, गार्ड फुल चोर, फुल चोर। ऐसे करेंगे क्या? गार्ड के नाम से भगते हुए आइए इधर। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल पीयूष क्रिएशंस। और आज संडे है, सबको पता है कि आज मेरी छुट्टी होती है, तो हमने सोचा कि चलो ठीक है, हर हफ्ते हम लोग जब क्लबिंग करते थे ये सारी चीज़ें, तो कुछ प्रोडक्टिव नहीं था, ठीक है, पैसा वेस्ट था और मतलब बेकार था। तो हम लोगों ने अब सोचा है, मैंने और संजू भाई ने, इन पर कशिश ने भी, कि अब से हम हर सैटरडे संडे जिस दिन भी हमें टाइम मिला उस दिन हम जाके आउटिंग करेंगे और फिर ट्रैवल व्लॉग्स डालेंगे, कहीं पास में जा रहे हैं, दूर जा रहे हैं। तो आज भी हम ऐसा ही था, संजू भाई का आइडिया था कि आज हम जा रहे हैं अरावली। बहुत लोगों ने सुना होगा, बहुत ही प्यारा प्लेस है, मतलब लगता ही नहीं है कि तुम गुड़गांव में हो, पहाड़ी पहाड़ है एकदम, मतलब बस जन्नत ही जन्नत है। बस वो अलग बात है, अगर बंदी के साथ जाओगे तो और मज़ा आएगा। अब क्या करें, ये भी सिंगल, मैं भी सिंगल, कशिश भी सिंगल, ठीक है। तो सिंगल की आज, सिंगलों की आज पार्टी होगी, सिंगलों नहीं सिंगला की पार्टी होगी। मैं तो बहुत बड़ा सिंगल सिंगला हूँ, ठीक है, भाई भी बहुत बड़ा सिंगला है, कशिश तो अखंड सिंगला है, ठीक है। तो आज हम जाके देखते हैं, तो आप लोगों को व्यू भी काफ़ी अच्छा लगेगा क्योंकि बहुत प्यारा व्यू है। और सबसे बड़ी चीज़, भाई का चैनल फॉलो किया, सब्सक्राइब किया कि नहीं किया? करो भाई, बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस बनाते हैं, बहुत अच्छा कंटेंट रहता है, मेरे से तो अच्छा ही रहता है। तो जाओ इनको फॉलो करो और दबा के लाइक शेयर कमेंट जो भी है सब करो। अभी नेक्स्ट व्लॉग है ना, उसके अंदर वो कुछ पार्ट बचा हुआ वहाँ का, जहाँ पे हम जयपुर गए थे ना, नारगढ़ के किले का कुछ पार्ट बचा, वो भी मैं डालूंगा, कल आ जाएगा मॉर्निंग में। और एक चीज़ और पता है, नाहरगढ़ के फोर्ट में जब हम खाटू श्याम जी गए थे, तो मैंने वो, आपने देखा होगा कि बहुत वो खाटू श्याम जी तक बहुत ही अजीबोगरीब ब्लॉग रही है, उसमें वीडियोस नहीं थी अच्छी सी। वो ये हुआ था कि जब मैं खाटू श्याम जी वाले, मतलब खाटू श्याम जी के पास गया, मैंने सोचा था कि मैं ब्लॉगिंग करूंगा, लेकिन इन्होंने मुझे से बताया था कि हाँ ऐसा होता है, ऐसा होता है। तो मेरा ना ऐसा था कि चलो नहीं होता होगा, लेकिन जब मैंने वहाँ पे पैर रखे ना, कसम से ऐसी मुझे वाइब्स आई ना कि नहीं, मुझे ये ना फील करना है, मेरे को यहाँ कैमरा निकाल के मुझे ये चीज़ें कैप्चर नहीं करनी, चीज़ें मेरे को सिर्फ खाटू श्याम जी के दर्शन करने हैं, बाबा जी के, बाबा ये ना मतलब श्री श्याम जी के मुझे दर्शन करने हैं। और मैं वहाँ जाके लिटरली मेरे ऐसा हो गया था कि बस मैं उनको देख रहा था, भाई ने बोला उनकी आंखों में देखो, और मैं उनकी आंखों में देख रहा था और मैं सब भूल गया उस टाइम पे। तो उस टाइम वो कुछ सेकंड था, मतलब 5 या 10 सेकंड तक मैं उनकी आंखों में मैंने देखा था, क्योंकि पुलिस वाले जल्दी जल्दी आगे के बढ़ा रहे थे, सिक्योरिटी वाले। तो उस 5 सेकंड में ना मेरे को अपने अच्छे बुरे सारे कारनामे मेरे ऐसे लग रहा था रिफ्लेक्ट कर रहे हो, ठीक है। हाँ, मतलब जितना भी मैंने कभी अनजाने में गलती करी है, कभी मैंने जान के गलती करी है, वो सारे आ गए। फिर मेरी अच्छाइयाँ भी मेरे को याद आई कि मैं उतना भी बेकार इंसान हूँ और मैं उतना भी अच्छा इंसान हूँ, मैं बीच में हूँ, तो मुझे और अच्छा बनना है। तो मतलब सच में यार जाओ, मतलब खाटू श्याम जी में ना सच में वो पावर है, तो मैं सेल्फ रियलाइज़ करा देगी कि तुम एक्चुअल में तुम हो क्या, तुम कितने में पानी में हो और तुम कितने दूध में हो, ठीक है। तो वो उसकी वो स्टोरी थी, इसलिए वहाँ पे मैं शूट नहीं कर पाया था। आगे नाहरगढ़ से हम लोगों ने ब्लॉगिंग स्टार्ट करी थी, और नाहरगढ़ से ब्लॉगिंग मैंने नहीं करी थी, वो टीना और काजल कर रहे थे। और भाई के चैनल में लेकिन हर एक चीज़ मिलेगी प्रॉपर, तो वहाँ जाओ आप, जाके अच्छे से विजिट, मतलब विजिट करो और देखो कि क्या क्या चीज़ें थी, इन्होंने तो पोप सब अच्छे से बताया है क्या कारीगरी होती और नेक्स्ट जब भी हमारा व्लॉग आएगा, ऑलमोस्ट हर व्लॉग में आपको पीयूष भाई नजर आएंगे, बिल्कुल उसके अंदर चैन की हम छोटी सी झलक लें। इनके फ्लैट पर मुझे आना पड़े, इनके ऑफिस में जाना पड़े, तो मैं ऑलमोस्ट कोशिश करूँगा कि मेरे नेक्स्ट या हर व्लॉग के अंदर पीयूष उसके अंदर विजिबल हो, ताकि आपको बहुत अच्छा लगे। अगर पीयूष भैया का अगर मान लो व्लॉग थोड़ा बहुत डिले हो जाए, तो मेरे व्लॉग भी आप इसको देख सकते हो अच्छे से। हाँ, मेरे साथ पता है क्या है, मेरे साथ ये है ना कि मैं बहुत आलसी हो जाता हूँ, मतलब जैसे कि मंडे टू फ्राइडे जॉब करता हूँ, उसके बाद 2 दिन मिलते हैं, 2 दिन मन करता है सोऊं या तो पार्टी करूँ। लेकिन अब मैंने सोचा ना कि बहुत पार्टी होगी, बहुत बकवास होगी, अब कुछ प्रोडक्टिव करते हैं, क्योंकि आप लोगों के भी मैंने कॉमेंट्स पर पढ़े थे कि भाई जल्दी व्लॉगिंग करो, जल्दी व्लॉग्स लाओ, तो जल्दी लाऊंगा। अब हर हफ्ते आएगी, हफ्ते में एक वीडियो है लेकिन आएगी अब ज़रूर, प्रॉमिस है ये। और अगर 1-2 हफ्ते अगर आगे पीछे हो जाता है तो माइंड मत करना, प्रॉमिस को आगे पीछे तोल भाव कर लेना। डोंट वरी, मैं हूं ना, मैं अपने आप इसका व्लॉग शूट करवाऊंगा और इसको 101% मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आप लोगों के एक अच्छा सा व्लॉग पीयूष क्रिएशन पे जल्द से जल्द आए और कंटिन्यू आए। और मैं मोटिवेशन वाली वीडियोज ही बनाऊंगा और ब्लॉगिंग भी करूंगा प्रॉपर तरीके से, कि हाँ इंसान सिंगला रह के भी जिंदगी के मजे ले सकता है ना। धमाल मचाएंगे, आप देखते रहना नेक्स्ट टू नेक्स्ट व्लॉग में धमाल, हर मतलब व्लॉग जो नेक्स्ट आएगा फिर उससे नेक्स्ट, वो अपने आप में एक तहलका मचाएगा, ठीक है, डोंट वरी।
तो इन्जॉय करना, ब्लॉग में बने रहना, और जो पसंद आए प्लीज़ कमेंट में बताना, और जो नहीं पसंद आए वो भी कमेंट में बताना कि उसको हम आगे जाके सुधार लें। बिल्कुल, क्योंकि जैसे कि पता है कि काफ़ी टाइम बाद मैंने दोबारा से ब्लॉगिंग स्टार्ट करी है तो मैं भूल गया हूँ थोड़ा, तो सजेस्ट करना प्लीज़। और ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप कुछ बोलोगे तो मैं बुरा मान जाऊंगा, बिल्कुल बुरा नहीं मानूंगा, गलतियों से इंसान सीखता है, तो आराम से कमेंट करो। इनफैक्ट भाई के चैनल पे भी जाके उनको जो भी आपको लग रहा है कि कुछ इंप्रूव करना है तो उनको भी जाके बताओ और मुझे भी बताओ। बिल्कुल, ठीक है, अब मिलते हैं हम सीधे अरावली पे, नहीं रास्ते में भी दिखाऊंगा आते आते जाते, और अभी कशिश जब आएंगी तो उनकी शूट करेंगे। अभी मैं उसको रूम पे बोल रहा था बड़े प्यार से कि चलो यार चलो यार, ये गर्मी है। अभी एक बार बोला गाड़ी ठंडी हो रही है, कह रही आ रही हूँ, उसको पता है चिढ़ा कर आया हूँ कि आज हम जाएंगे आपके मोमोज खाने के लिए जो उसका फेवरेट है ना, तो पता है क्या बोल रही है, मेरे लेते आना। मैंने कहा मैं घंटा नहीं लेकर आऊंगा, मैंने कहा फोटो जरूर भेजूंगा व्हाट्सएप। आज हम अपनी ऑडियंस को अपने अड्डे का भी दिखाएंगे। हाँ, हमारा एक यहाँ पे अड्डा है सेक्टर 48 में, और वहाँ पे हम लोग सिर्फ और सिर्फ मोमोज और फालतू की बकलोली करने जाते हैं और वहीं बैठते हैं रात के, हम एक एक दो दो बजे तक बैठे हैं ना वहाँ पे, मतलब वहाँ के लोग भी जान गए। इनफैक्ट मैं ये लोगों का पहले अड्डा था, अड्डा मेरा हो गया और हमारे एक और हमारी आदमी में से एक आदमी बंदा गायब है जो हमारा कर्नल है। हाँ, उसको अगवा कर लिया है पापा की परियों ने। हाँ, तो वो हमारे साथ आज है नहीं यहाँ पे, अगर वो होते तो उसे बुला ही लिया फाइनली। मजबूरी का नाम महात्मा, मजबूरी का नाम बेचारी दो मिनट में पहने। हाँ, ये मोमोज के लालच में आई है, इसको बोला था मैंने नहीं आएगी तो मोमोज नहीं खिलाऊंगा, तो इसने बोला चल ठीक है चल रही हूँ। तो हम लोग निकल चुके हैं यहाँ पे, ये रही मेरी मतलब सोसाइटी का बैक साइड है ये, और मेरे बैक साइड में ये रही, मेरे साइड में ये रहे, मेरे पड़ोसी में ये रहे। रास्ता बता दो घर आना गाइस, खाना खाने आना, मैगी खिलाऊंगा मैं, ठीक है, ज्यादा क्योंकि मेहनत नहीं करने वाला मैं, बिल्कुल चाय बनाता अच्छी हूँ, पीता नहीं हूँ मैं। हाँ, चाय बनाता अच्छा पीता नहीं। हाँ, देख लो ये सेक्टर 7, ठीक है, रास्ता बता दिया मैंने अपना, चलो मैं ये भी बता देता हूँ, ठीक है, जो हमारा मेन कट है जहाँ से हम आते हैं ना वहाँ पे पड़ता है हरीश बेकरी सेक्टर 7 का, ठीक है, उसे सीधा अंदर आना, आप गली नहीं बताऊंगा कौन सी गली है, सच में आ जाओगे फिर सोसाइटी वाले पागल हो जाएंगे। अरे ऐसे पता है वहाँ पे भी जब दिल्ली में रहता था ना वहाँ लोगों को पता चल गया था, कहीं भी मिल जाते थे चलते फिरते रास्ते में कोई मिल जाता था, कुछ भी कर रहे हो, चलो मैं नीचे कूड़ा फेंकने जा रही हूँ, भीड़ लगी लोग भैया अब तो आसमान में चढ़ा रहे हो आप, भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत छोटा क्रिएटर हूँ, आप चाहोगे तो बड़ा बन सकता हूँ, है ना भाई। लोग बहुत, मैंने तुझे बता नहीं था कि उस लड़की ने देखते ही बोली अच्छा कि उसको आप जानते हो। हाँ, एक स्टोरी बताता हूँ, चलो आप बताओ मतलब तू ही बता। इनका जो काम है डिजिटल मार्केटिंग का है, ठीक है, तो ये सारा ये गूगल एडवर्ड्स वगैरह देखते हैं, जो हम अब काम करते हैं ना ये भी वही काम करते हैं, बट ये और भी इनकी फील्ड है, जैसे फेसबुक हो गया और ये सारा आ जाता है, सारे सोशल मीडिया आ जाते हैं, हमसे भी गूगल एडवर्ड्स देखते हैं। अब क्या हुआ, इनकी क्लाइंट थी, ठीक है, जो कहीं इन्हें मिली होगी, उन्होंने इनसे इनका इंस्टाग्राम मांगा, इन्होंने दिया, देने के बाद उन्होंने फिर को देखा उस आईडी में, तो ये पूछे अब आगे आप बताओ, मैं अपनी खुद की हाँ, उसने देख के वो बोली आप इसको जानते हैं पीयूष को, मैं बोला हाँ बहुत मेरा क्लोज फ्रेंड है, हम उठते बैठते, अरे यार ये तो बहुत फेमस पर्सनैलिटी है, बोले अच्छा मुझे भी आज ही पता चला। और मैं उस टाइम पे ना अपने गाँव में था, मैं अपनी दीदी की शादी में क्या हुआ था, भाई की मेरे पास कॉल आती है और मैं खेतों में ना वो चला रहा हूँ, ठीक है, भाई कह रहे हैं अरे तू तेरे बारे में तो आ जा सकता होगा एक लड़की, तो मुझे मेरे को लगा ना ये हवा में मेरे को चढ़ा रहे हैं ऐसे ही, क्योंकि मेरे को काफ़ी ब्लॉगिंग वगैरह में काफ़ी ये वो मोटिवेट करते हैं कि जाओ यार ब्लॉगिंग करो ये करो ध्यान दो अपने इसमें, तो मुझे लगा ऐसे हवा में फेंक रहे हैं, फिर यार जब इन्होंने मुझे आईडी दिखाई या उसके बारे में बताया, मैंने कहा यार सच में हूँ क्या, सब जानते हैं क्या, थोड़ा थोड़ा सब नहीं मतलब थोड़े बहुत लोग जानते हैं क्या, ऐसा ही है। ये देखो ये रहा, ये पड़ता है मेरे घर के पास मॉल, उसके बाद फिर बस मेन गली में जाओ आ गया घर। तो चलो यार अब हम तब जाके शूट करेंगे जब हम अरावली पहुंच जाएंगे, पहले जूस पे आई है, ठीक है, सॉरी। हाँ, उससे पहले तुझे छोड़ू के रखूं मैं छुपा करके निगाहों में, मिक्स फ्रूट के बड़ा लंबा ग्लास हम लोगों ने खत्म कर डाला, अभी दूसरा मैंगो शेक पी रहे हैं हम लोग, सबके हाथों में सब पीने में लगे पड़े हुए, लेकिन हम भूल गए शूट करना। अब मैंने संजू भाई को याद दिलाया, वो भी फोन निकाल के बैठ गए।
हमारी गौ माता जी, गाय हमारी माता है, इसके आगे मैं कुछ नहीं। मतलब बहुत प्यारे लगते हैं मुझे गाय वाय। मैं गाँव भी गया हुआ था ना, तो मैं मतलब इनके ही पास बैठा रहता था, क्योंकि पीयूष खुद भी गौ है ना, इसलिए उसे गाय पसंद। मेरे को हमेशा लोमड़ी मिलती है, इसलिए मैं क्या करूँ, चाहे दोस्त हो चाहे कुछ भी हो, जैसे ये लोमड़ी मिली है। लोमड़ी नहीं हो यार, मैं लगती हूँ लोमड़ी। हाँ वैसे ही सच बात है कि लगती है, सिर्फ ये एक्चुअली में यार ये क्या ही बताऊँ, मैं भी गौ। ये ना एक पमेलियन की तरह के तरह इसका दिमाग है, बस एक बहुत सीधा साधा। ये देखो, ये हम गांव से होते हुए निकल रहे हैं, मतलब यही रूट है अरावली में जाने का। और एक चीज़ और, क्या अरावली में ना रिजॉर्ट बुक किया है, मैं पहले बताना भूल गया था, तो उस रिजॉर्ट में हम जाके शूट करेंगे। तभी क्या तो, स्क्रिप्ट लिख लो फिर बोलो। शट अप तो हम लोग अभी अरावली में चढ़ चुके हैं, मतलब पहाड़ों पर चढ़ रहे हैं, क्योंकि सब जंगल ही जंगल है। ये देखिए, और इस साइड से देखो, कोई कह सकता है ये गुड़गांव का एरिया होगा, मतलब जो जानता है वो जानता होगा, पर यहाँ पे इतने उसमें इतना मतलब ट्रैफिक में और इतनी जो बिल्डिंग्स वगैरह खड़ी खड़ी रहती है उसके बीच में ऐसा माहौल, मतलब बहुत ही प्यारा लग रहा है। इतना सुंदर है यार ये, मतलब अच्छा खासा इंसान, एकदम ही डिप्रेस से डिप्रेस इंसान यहाँ पे आके एकदम मरमजी मजे। यार भाई यहाँ दरगाह है, चले यहाँ। सीरियसली बहुत प्यारी, अगर हम रात के टाइम यहाँ पे आते ना तो बहुत ही प्यारा शूट होता है यहाँ पे। और ज़्यादा पहाड़ आएंगे ना, जब हम और टॉप पे पहुँच जाएंगे तब फिर मैं और शूट करूँगा। अभी तो हम यहाँ पे स्ट्रगल कर रहे हैं ऊपर चढ़ने के लिए। मैं क्या कर रहा हूँ, मतलब मैं तो बैठा हूँ, अभी भी शेक ही पी रहा हूँ, ख़त्म ही नहीं हो रहा, इतना बड़ा ग्लास ले लिया था, और एक नहीं दो ग्लास का, और ये स्ट्रगल कर रहे हैं चलाने में। तो चलो मिलते हैं। हम लोग एकदम ही पहाड़ों के एकदम टॉप पर आ चुके हैं, और ये लग रहे हैं एक के बाद एक फार्म हाउस बने हुए हैं। हमारा फार्म हाउस अभी दूर है। बता रहे थे कि यहाँ पे लोग शादी वादी भी वो मतलब यहाँ पे करने आते हैं, यहाँ पे कोई वैसा ट्रांसपोर्ट नहीं है, अपने प्राइवेट से ही आओ तो सही है यहाँ पे, वरना आने जाने का रास्ता। यहाँ पे तेंदुए भी हैं। हाँ ये पूरा जंगल एरिया है, तो यहाँ पे तेंदुए वगैरह भी घूमते हैं। देख रहे हो कितना ज़्यादा जंगल ही जंगल है, इसलिए यहाँ पे रात में आने के लिए मना करते हैं कि मतलब रात में मत आओ, और आओ भी तो मतलब फुल सेफ्टी के साथ आओ यहाँ पे। हाँ यहाँ से ना ऊबर बुक होती है ना ओला बुक होती है, जब भी आना तो अपनी अपनी खुद की गाड़ी से या अपने अपने किसी खुद के व्हीकल से आना, फुल सेफ्टी के साथ। अब हम यहाँ कंफ्यूज हो गए हैं कि हमें इस साइड जाना है या इस साइड जाना है। इस साइड चलो, राइट साइड। कोई बात नहीं, इस साइड चल के एक बार देख लेंगे। हाँ रिस्क ले लेते हैं, थोड़ा सा घूमना तो वैसे भी है। एक बार रोको कि आप साइड में, मेरे को ये फूल तोड़ना है, देखो ये वो पिंक वाला। इन मैडम की अलग ही वो है, ये दूसरा एक फार्म हाउस आ गया। थोड़ा आगे ले लो ना, नजदीक ले लो, चलो क्या मैं नजदीक ले लूँ। की चैलेंज करना है कशिश? हाँ यार वही तो बोल रहे हो, की चैलेंज करते हैं। लेकिन यार रोड अच्छी नहीं है, बैकग्राउंड होना चाहिए रोड का। ये देखो इन मैडम की बकलोली, ये फूल तोड़ने जा रही है। जाओ कैसे? अरे यहाँ से तोड़ लेना सामने से। अरे बाप रे, एक फूल तोड़ने को बोला था, पूरा का पूरा झाड़ तोड़ रही। कशिश गार्ड आ गया, गार्ड, फूल चोर, फूल चोर। मजाक किया था रे। और छोटी मजा आया? कहाँ हो, इधर आओ। कितने डर के भागे, गार्ड आ गया था, पिछवाड़ा लाल करता मैं। ये देखो अनार करी, अनार कह रहा हूँ, अनार करी कली पहाड़ों पे चली। कैसे बकलोली कर रही है, मेरे सर कानों पर चढ़ा दिया इसने। ऐसे करेंगे क्या? वो कितने प्यारे चट्टाने दिख रही है सारी यहाँ से, ये है इस पहाड़ की खूबसूरती, और ये रही मेरी खूबसूरती जो दिख नहीं रही आप लोगों को। ये देखो बीच में ये खाई है क्या? हाँ ये थोड़ी सी, हाँ खाई है, खाई ज्यादा तो नहीं ऐसे। देखो पूरे जंगल पेड़ों ने पूरी खाई को इसे वो लपेट रखा है। तेंदुआ एको हो रहा क्या? एको एको आती है वापस आवाज, चिल्ला के देख लो राहुल, ऐसे थोड़ी तेज चिल्लाओ राहुल। वे राहुल कौन है मुझे क्या पता, बस बोल दिया सलमान शाहरुख खान को। हां भाई, नहीं नहीं एक बार और, एक बार बोलियो राहुल।
शिवानी किरण अंजलि इनकी तो 10-12 है, सबका नाम लो, चलो एक एक करके चलो मैं सबका नाम लेता हूँ, पकड़ो सारी एक्सेस का नाम लूंगा, साइड ऑफ साइड, साइड ऑफ साइड, चलो स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये वो पहाड़ी है, पहले बता तो दे, ये जो भी पहाड़ी है ये वो पहाड़ी है जहाँ पे जिसका प्यार नहीं सफल होता वो यहाँ पर आके कूद जाए, अगर कूद के नहीं मरेगा तो ये कांटों से छिद जाएगा, और कांटों से छिद जाएगा उसके बाद फिर तेंदुए जो आएंगे उनका चिकन डिनर हम बन जाएंगे। चल बोलो, तो नंबर वन से स्टार्ट करते हैं, या फिर लेकिन उनके नाम रिवील हो जाएंगे ना, मैं नाम मैं बीच बीच में से बोलूंगा, गेस कर लेना कौन सी मेरी थी कौन सी नहीं थी, ठीक है। पहले तो उसका ही नाम आ रहा है, पहले मेरा ही नाम लेते, चल दोस्त का नहीं ले सकते, नहीं है ये बस। फिर हाफ हाफ गर्लफ्रेंड जो थी शिवानी, अरे शिवानी तो पूरी थी, सृष्टि शिवानी सच्चा प्यार थी ना, अरे अंजलि तो किरण, और इन्हीं को नहीं पता, देख रहे हो, और बाकी ऐसी ऐसी नाम ले लेते हैं, ठीक है। प्रिया शालू कुकुलर जनरल, ठीक है। मेरे को दिखाओ, देखो कैसे आंसू निकल रहे हैं मेरे, देखो दिख रहे होंगे थोड़े थोड़े इनविजिबल आंसू मेरे, वो ओके ना भी चलो तू भी चले ना 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 टू अभी देखो, अरे मैं कैसे गाड़ी भगा के लेके जाऊंगा, उड़ा के लेके जाऊंगा एकदम, बैटमैन को जाने की जरूरत क्या है, बैक करने नहीं आती है, बैक करने भी आती है, चल कर फिर ना एक बार बैक तो कर ले, बैक करने भी आती है मेरे को, लेकिन मेरे को अभी सीधा चलाएंगे ना फिर, ना 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 तो पहले बैक कर ले बस, आ गया हमारा, पहले सीधा चला दो, बैक, अरे तू बैक कर भाई, अरे शीशा नीचे कर लेना, इसको चलाने दो, राम से राम से पीयूष, रोक ले रोक ले रोक ले, बस बस बस, हाँ ठीक है हमें पता चल गया तू जाती है, हाँ बस, बस। अरे डर क्यों रहे हो, नहीं नहीं बस ठीक है, अरे आती है मेरे को चलाने, हाँ ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल आती भाई, तो आओ ना भाई, अच्छा ये वीडियो शूट कर, भाई रिस्क नहीं ले बिल्कुल भी, अरे ले तो ली हमने चलते हुए ही, बिल्कुल वैसे ले लो ना, चला, अरे कोई दिक्कत नहीं, तू आ जा देख, आराम से स्लो, भाई आने तो लग रहे हैं, बस रोक ले रोक ले रोक ले, बस 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 चला लेते हैं, सबसे ज्यादा डर लग रहा था इसको अपनी जिंदगी का, रिस्क नहीं, इतनी बेकार भी नहीं आती यार, चलाइए ना, बढ़िया चलाते, लेकिन अभी प्रैक्टिस की जरूरत है, अभी काफी टाइम बाद मिल गया ना चलाने, घर वाले देते ही नहीं डर के मारे कि ठोक ना दूं कहीं, मैं साथ मेरे है तू हर पल शब के अंधेरे में, पास मेरे है तू हर दम उजले सवेरे में, दिल से धड़कन भुला देना आसान है, झूले की पड़ रही है ऐसे, आशा आपके बर्थडे पे ऐसे रिजर्व, तो हम अभी अपने डेस्टिनेशन में आ चुके हैं, ये देखो कितना सुंदर है कितना प्यारा है, कशिश फेंक दूं पानी में, फेंक दूं फेको, बस इसको यही चाहिए, गंगू भाई कितना प्यारा एकदम लग रहा है, एकदम मस्त माहौल, मतलब जन्नत ही जन्नत लग रही है, थोड़ी धूप पड़ रही है मुझे, सनकिस्ड कहाँ दिखा रहा हूँ मैं, इधर हूँ आपको ही दिखा रहा हूँ मैं,
सबसे बड़ी चीज तो पूल की, सोच रहे थे नहाएंगे लेकिन कपड़े लेके गए नहाने वाले। व्लॉगिंग करते हुए व्लॉगर्स, हमारे व्लॉगर्स कैसा लगा, यूज कैसा लगा यहां पे? पास है, पास हो गया, बिल्कुल पास है ना। अभी दिखाऊंगा पूरा का पूरा, छत से जाके और उधर क्या दिखाना है, पूरा का पूरा छत से जाके ना आगे कैसा क्या है और आगे जाके तो हम यहाँ पे क्या प्लान कर देंगे, क्या करने वाले हैं। स्विमिंग पूल के अंदर कूदेंगे तुम सबको, पर स्विमिंग पूल पे हम कूदेंगे नहीं बिल्कुल भी, अभी कोई प्लान नहीं है। तो अभी कुछ है इससे रिलेटेड जो आगे जाके आपको पता चलेगा, अगर और ये पास होता है तो फिर आगे जाके जो स्पेशल रहेगा उस स्पेशल में यहाँ पे और कुछ और बहुत कुछ स्पेशल करने वाले हैं। तो ये कैमरामैन कशिश के साथ उस लड़की को कोई काम धाम नहीं है, इसको हम कूड़े के डब्बे से उठा के लेकर आए हैं और ये देखो ये यही काम कर रही है, यही काम है इसका देखो। और वो देख के फूल देख के बिल्कुल मतलब वहाँ पे गार्ड के नाम से भगते हुए आई है इधर। चलो आज वहाँ पे चलते कशिश, वहाँ तो कोई नहीं है ना, ठीक है। अरे बस यार मेरे को जाना है इसके अंदर, दुख के लगाऊंगा। तब प्यारा यार कितना बड़ा एरिया है, और देखो ये कैंप है ठीक है, और रुको इसके अंदर देखना कितना प्यारा सा है, देखो नेट वगैरह सब कुछ लगा हुआ है। ये शायद वॉशरूम है, ये चेन वेन लग रही है इसमें, ये रहा वॉशरूम, मतलब प्रॉपर टेंट वाला फील है कि है ना, मतलब टेम्परेचर इतना ज्यादा हो गया कि उसने रिकॉर्डिंग बंद कर दी। धूप तो बहुत ज्यादा है, और ये दूसरा टेंट है इसमें भी सेफ वही होगा, बार बार नहीं जा रहे इस टेंट में। देखो यहाँ पे बॉल मिली एक, ये भी ऐसे ही है, ये देखो अब ये ऊपर चल के देखते हैं ऊपर क्या है। ये पूरा बेड लिविंग एरिया बना रखा है, कितना प्यारा है, और ये सोने के लिए, और यहाँ से व्यू देखो यार कितना प्यारा व्यू है भाई, जन्नत यही यही करना है भाई, मजे आ जाएंगे। मतलब रुको थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ कि देखो यहाँ से कैसे वो सब दिख रही है कि यहाँ वहाँ लोग रहते हैं, बहुत ज़्यादा दूर है ये, बहुत ज़्यादा मैंने अभी जूम किया तब जाके आपको इतना दिखा है। सर्दियों के टाइम आने में तो और मज़ा आएगी, बॉनफायर वगैरह और ये सारी चीज़ें, मतलब लोकेशन मुझे एक नंबर लगी है, बहुत प्यारी लोकेशन यार। अभी तो जब थोड़ी धूप है ना तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है मतलब शूट करने में इधर उधर जाने में, लेकिन अगर हम लोग शाम के टाइम या एकदम अर्ली मॉर्निंग आए ना तो बहुत ही प्यारा प्लेस है, अच्छा खासा। इंसान का जो पागल इंसान है ना दिमाग से जिसकी बुद्धि कम हो रही है, जैसे मेरी हो रही थी, यहाँ आने के बाद मैं अपने आप को एकदम तृप्त महसूस कर रहा हूँ, वही हो रही है, मुझे तृप्ति मिल चुकी है यहाँ पर आके, और इन मैडम को तो फूल में ही तृप्ति मिल रही है। बेचारे भैया का फोन बंद हो गया, इनके ऊपर शूटिंग है, हैवी टेंपरेचर, इनका फोन जो है रिकॉर्ड करना बंद कर चुका है। बताओ यार, तभी तो आप मेरे चैनल पे जाओ ना, सब्सक्राइब करो, वीडियो को देखो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आपको ऐसे बढ़िया बढ़िया व्लॉग्स मिलती रहेंगी, बहुत अच्छे, इनके चैनल पे जाओगे तो सचिन भाई के चैनल पे बहुत करोगे तो मोटिवेशन भी बहुत मिलेगी। सच में मेरे को खुद मिला बहुत ज्यादा, मेरा चैनल डेड पड़ा हुआ था, मैं ध्यान नहीं दे रहा था अपने यूट्यूब पर, यही दो वो लोग हैं जिन्होंने मुझे मोटिवेट किया कि यार तेरे पास इतने ऑडियंस है सब कुछ है, उसके बाद भी तू नहीं अपना उसका तू काम कर पा रहा है। अभी देखना पीयूष भाई आपके चैनल पे क्या खतरनाक खतरनाक वीडियो आएंगी, मैं सच में कह रहा हूं, गारंटी देता हूं। अब मैं काफी टाइम से एक्टिव नहीं था, बट अब मैं जो एक्टिव होने वाला हूं ना कि बस अब व्लॉग्स आती रहेंगी, कुछ नया मैं कुछ ना कुछ तो अपलोड करता ही रहूंगा। इसको क्या मिल गया देखो, आम तोड़ने की कसम से, मतलब ये पैदाइशी चोर है, अमिया तो क्या चाटोगे उसे, कैसी भी आए, छोटी आए, बड़ी आए, मतलब व्लॉग आती रहेगी, बिल्कुल आएगी ठीक है, और खतरनाक, और अब की बार मतलब दो तीन व्लॉग के बाद तो हम ऐसा व्लॉग लेके आने वाले हैं जो आप देख के भाई, और जुलाई से तो अलग ही लेवल का व्लॉग आएगा आपको, तो वेट करो जुलाई तक का, मेरे लिए भी बहुत स्पेशल है और ऑडियंस के लिए मैं स्पेशल करूंगा उसमें, और अब ऐसी नई और नया नया कंटेंट आएगा व्लॉगिंग में भी, अब नई नई जगह एक्सप्लोर करेंगे, ये नहीं भी घिसी पिटी जगह हमने एक्सप्लोर कर दिया, नई नई जगह
कि उससे कुछ ना कुछ अच्छा ही दिखने को मिले, ऐसा ऐसा एनवायरनमेंट मिले थोड़ा सा। वो देखो अब तितली पकड़ने चली कशिश को, चुप चुप। ये देखो, ये देखो यार, मुझे लग रहा है जब पैदा हुई थी तो उसकी बुद्धि थोड़ी खिसक गई थी। फोटो अच्छी है ये। तो गाइस आज की व्लॉग यहीं तक थी, कैसी लगी व्लॉग प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना कैसा लगा जो हमने आज एक्सप्लोर किया। और ये वो छोटा एक्सप्लोर था, उसके बाद ये जो हमने आज शूट किया है ना, इसका बैकग्राउंड स्टोरी मतलब इसका है कुछ कुछ कनेक्शन है आगे आने वाली हमारी व्लॉग से। अभी रिवील नहीं कर रहे अगर, क्योंकि नहीं हो पाया तो तुम लोग फिर उंगली करोगे कि क्या था ऐसा ऐसा, तो पहले सारी चीज़ें हो जाएँ उसको तो हम बताएंगे। तो जैसी भी लगी हो वीडियो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, सब वह। और इसके बाद भी हम कहीं और जा रहे हैं तो हो सकता है हम दूसरी ब्लॉग भी वहाँ से स्टार्ट करें, तो नेक्स्ट ब्लॉग वो होने वाली है। और प्लीज़ भाई यार इससे पहले वाले ब्लॉग्स को तो प्यार दे दो अपना यार, मतलब क्या क्या व्यूज़, हाँ क्या क्या सब देख वो कर रहे हो, ना देख रहे हो, ना लाइक कर रहे हो, ना कॉमेंट कर रहे हो, मतलब गिरा दिए एकदम ही।